अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अली इजाज। आज मैंने सोचा क्यों ना हमारे जो हाइड्रोलिक्स या इरिगेशन से रिलेटेड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स की लैब का विजिट करवाया जाए। तो आज मैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में लैब इंजीनियर हैं इंजीनियर उमेर अफजल, मैं उनके पास आया हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकें कि फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स की लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं और इन इक्विपमेंट्स का क्या क्या पर्पज़ होता है और इनको ऑपरेट करने के लिए कौन कौन सी मेथडोलॉजी है मेथडोलॉजी यूज होती है। तो आए आपको भी अपनी ये जो लैब है इसका विजिट करवाते हैं। जी उमेर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक। तो उमेर भाई, क्या आप तैयार हैं अपनी हाइड्रोलिक्स की लैब का विजिट करवाने के लिए? जी बिल्कुल, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप इधर आए हैं और मैं बिल्कुल अभी आपको डेमोंस्ट्रेट करता हूँ कि कौन कौन से हमारे पास इक्विपमेंट हैं और उनका क्या पर्पस है। तो चले आए फिर एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये है एक लैब है जिसमें ये तमाम इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। तो जी उमेर साहब, हम एक्सप्लेन करें कॉर्नर से, इस एंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस एंड से स्टार्ट करते हैं और ये एंड तक जाते हैं। इस तरह हम क्लॉकवाइज जाते हैं। सबसे पहले ये जो ऑपरेटर है इसको हम कप्लान टरबाइन बोलते हैं। जी ठीक है। और ये एक टरबाइन की टाइप है जिसको रिएक्शन टरबाइन की टाइप में से एक टाइप कहते हैं। ठीक है। और इसको हमने मॉडल एज अ मॉडल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी वर्किंग के बारे में पता लग सके कि एक टरबाइन किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, इसमें कोई वैल्यूज लेने वाला मैकेनिज्म नहीं है, दिस इज अ मॉडल। मॉडल ठीक है। दिस इज नेक्स्ट ऑपरेटर इज सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स जो है ना ये हम बच्चों को डेमोंस्ट्रेट करते हैं कि किस तरह से एक पंप जो है ना वो वाटर को डिलीवर करता है, ट्रांसफर करता है वन रिजर्वायर टू अनदर रिजर्वायर। अदर रिजर्वायर ठीक है। दो टैंक हैं, ये एज अ रिजर्वायर एक्ट कर रहे हैं जिसमें से एक में से पानी सक करके दूसरे में डिलीवर करता है पंप। जी ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग पता लगती है। नेक्स्ट ये जो है ये विस्कोमीटर ऑपरेटर्स है, इससे हम किसी भी अननोन फ्लूइड की विस्कोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कोई भी अननोन लिक्विड है हम इससे फाइंड कर सकते हैं। लिक्विड आ गया लैबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए, आप उसको इस YouTube विस्कोमीटर ऑपरेटर्स के जरिए उसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जी ठीक है, अगला ऑपरेटर हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास वेंचोरी मीटर है। अच्छा वेंचोरी मीटर, ये तो यार बड़ा फेमस है हाइड्रोलिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेटर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में, क्योंकि ये फ्लो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है जब पाइप फ्लो हमारे पास अवेलेबल होता है। जो बर्नौली थ्योरी भी इसी पे इंप्लीमेंट होती है, बर्नौली थ्योरी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का ऑपरेटर है। जी ठीक है। हमारे पास ट्यूब्स लगे होते हैं मैनोमीटर्स जिसमें हमारे पास डिफरेंट हाइट्स के साथ जो है ना वाटर रेज करता है। ठीक है, डिफरेंट हेड्स के साथ। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स में विंचोरी मीटर के अंदर ये वाला जो सेक्शन है ये कन्वर्जेंट कोन है। जी। उसके बाद ये सेंटर में थ्रोट है और उसके बाद ये डाइवर्जेंट सेक्शन है। इसकी अगर आप देख सकें डायग्राम तो ये ऊपर डायग्राम भी इसकी अवेलेबल है। ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ये कन्वर्जेंट सेक्शन है। ठीक है, ये सेंटर में थ्रोट है और इसके बाद डाइवर्जिंग सेक्शन। ठीक है, वेंचोरी मीटर। दो सेक्शंस के दरमियान हम मैनोमीटर के अंदर वाटर के हाइट्स को चेक करते हैं। जी ठीक है, ये बड़ी अच्छे तरीके से आपने वैसे एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमारे पास ये ओरिफिस फ्लो थ्रू ओरिफिस ऑपरेटर है। इसमें क्या करते हैं, छोटे से ग्लास ये मेटल की प्लेट के अंदर होल किया हुआ है। ठीक है, और इसमें से एक जेट ऑफ वाटर जो है ना वो इस ओरिफिस में से बाहर को निकलता है और हम इन पिंस के जरिए उसके पाथ को ट्रैजेक्टरी को हम क्या करते हैं लोकेट करते हैं या हम उसको फाइंड आउट करते हैं। जी ठीक है। और इसमें हम तीन कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करते हैं जिनको हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स कहा जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये कौन कौन सी हैं? कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी ठीक है, ये बड़े फेमस है, इनकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज भी हैं। ये देखेंगे आप फार्मूला भी देख सकते हैं, अगर क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई क्यू थोरेटिकल करें तो ये कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एक्चुअल वी थोरेटिकल करें तो ये कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, और अगर एरिया ऑफ जेट ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ओरिफिस करें तो ये कोफिशेंट ऑफ कंट्रैक्शन होता है। और इनकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज भी हैं, जहाँ तक मुझे याद है 0.62, 0.7 और वेलोसिटी के लिए 0.79। जी, ये आपने वैसे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। रिलेशन डेवलप होता है वो ये है कि अगर आप सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो सी वी मल्टीप्लाई बाय सी सी इसका रिलेशन। हाँ, ये बिल्कुल वो स्टैंडर्ड फार्मूला था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे आते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑपरेटर्स। दिस ऑपरेटर्स इज इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑपरेटर्स। जी ठीक है, ये इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है।
इम्पल्स, उसकी इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल की एप्लीकेशन के लिए ऑपरेटर है जिसे हम वेरीफाई करते हैं इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा ये वाला ऑपरेटर है, इसको कहते हैं डेड वेट कैलिब्रेशन ऑपरेटर। इससे हम किसी भी गेज को जो है ना कैलिब्रेट करते हैं। इस ऑपरेटर का ये काम है कि यहाँ पे एक डेड वेट ऊपर रखा जाता है इस तरह इस कॉलर के ऊपर, और फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है इस ट्यूब के जरिए। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि वो जो प्रेशर है इस गेज के ऊपर पीएसआई में या पास्कल्स के ऊपर के अंदर डिस्प्ले होता है। ठीक है, जितना वेट आपने यहाँ पे अप्लाई किया और जितना प्रेशर इसने शो किया ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, शर्त ये है कि अगर हमारी मॉडर्न गेज कैलिब्रेटेड है, कैलिब्रेटेड अगर अनकैलिब्रेटेड होगी तो डेड वेट ज्यादा होगा और वो प्रेशर या कम शो करेगी या ज्यादा शो करेगी। ठीक है, इससे हमें कैलिब्रेशन की हेल्प हो जाती है ऑपरेटर से। जी ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये फ्लूइड मैकेनिक्स वन का अगेन ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑपरेटर। ठीक है, इससे हम बेसिकली ये फाइंड आउट करते हैं कि जब वाटर किसी बॉडी के अंदर जब वाटर के अंदर इमर्स होती है तो वो किस तरह से उसके ऊपर लेटरल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाती है। ठीक है, वो कितने मैग्नीट्यूड की होती है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स हमें फाइंड आउट करते हैं हम सेंटर ऑफ प्रेशर को भी और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को। जी ठीक है, ये फिनोमेना डैम्स के अंदर होता है। ये डैम्स के लिए ज्यादा है। डैम में आप स्क्रीन साइड पे वाटर जो है ना वो स्टोर होता है और डैम बॉडी के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए ये ऑपरेटर्स बहुत जरूरी है। ठीक है, वो फोर्सेस किस तरह लगती है। ठीक है, उसके बाद ये फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का बड़ा अहम जो है ना ऑपरेटर है जिसको हम टर्बाइन्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास इस टाइम पेल्टन व्हील टर्बाइन, टर्गो टर्बाइन मॉडल और उसके बाद ये मिनी फ्रांसिस टर्बाइन मॉडल, ये तीन टर्बाइन्स के मॉडल्स अवेलेबल हैं। ये जरा मैं थोड़ा सा दूर से भी व्यू दिखा दूं। जी, नंबर वन टर्बाइन, ये दो टर्बाइन जो ना ये एक फैमिली से डिपेंड से बिलोंग करती हैं। जी जी, इनको कहते हैं ये इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन्स। ठीक है, ठीक है, इंपल्स टर्बाइन्स हैं ये, और ये वाली जो है ना ये रिएक्शन टर्बाइन। हाँ, ये वो बेसिक दो टर्म्स हैं, इंपल्स टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन। बिल्कुल, आप नोजल देख रहे होंगे सेंटर यहाँ पे, इस नोजल से हम जेट प्रोड्यूस करते हैं, पानी हमारे पास पेन स्ट्रोक से इसमें नोजल की तरफ आता है और एक जेट ऑफ वाटर क्रिएट होता है। ठीक है, वो जेट जो है ना इस बकेट के ऊपर आके स्ट्राइक करता है। ठीक है, और इंपल्स फोर्स की वजह से वो इस टर्बाइन को रोटेट करता है। जी ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम इस टर्बाइन की तरफ आ जाते हैं तो ये एक अलहदा फैमिली से है जिसको हम रिएक्शन टर्बाइन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई जेट प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, इसमें जो टर्बाइन रोटेट करती है वो ड्यू टू दी प्रेशर डेवलप इनसाइड दी केसिंग होती है। ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर डेवलप इनसाइड दी केसिंग। इसमें प्रेशर है और ये फर्स्ट वन में वेलोसिटी है, ये बेसिक, और ये तो मेरा ख्याल है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिहाज से ही बड़े अहम है। जी, उसमें भी कोई भी आपको हाइड्रोलिक का टीचर पूछ सकता है कि इन दोनों टर्बाइन में क्या फर्क, बेसिक डिफरेंस क्या और दोनों कहां कहां और कि अच्छा, इसमें मुझे जहां तक याद है डिस्चार्ज का भी एक था, एक लो डिस्चार्ज के लिए यूज होती है और एक हाई डिस्चार्ज के लिए यूज होती है। और दूसरा है कि पावर के बारे में हम पूछ लेते हैं कि इस टर्बाइन की इनपुट पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए गामा इंटू क्यू इंटू एच मल्टीप्लाई बाय गामा इंटू क्यू इंटू एच मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन। ठीक है, ठीक है, अब इसमें यही दोनों में फर्क है कि जो पेल्टन व्हील की एफिशिएंसी है ये टर्गो टर्बाइन से बेहतर है। बेहतर, उसके लिए भी आपसे कोई भी इंटरव्यूअर ये सवाल कर सकता है कि ये क्यों बेहतर है। तो मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ, क्योंकि इसकी बकेट के अंदर सेंटर में स्प्लिटर लगा हुआ है। स्प्लिटर लगा हुआ है, जो स्प्लिटर है वो जेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसके डिवाइड होने से स्मूथली वाटर ग्लाइड करता हुआ बकेट को हिट करके नीचे फॉल करता है, तो कम जर्क प्रोड्यूस होता है पेल्टन व्हील के अंदर। जी ठीक है, टर्बो टर्बाइन इसमें सिंपल एक बकेट है, उसके दरमियान में कोई स्प्लिटर नहीं है, जैसे मेरे हाथ को आप देख सकते हैं ये बकेट की तरह, तो सेंटर में आके जेट इसको स्ट्राइक करेगा और इसके अंदर एक जर्क भी प्रोड्यूस होगा इंपैक्ट की वजह से। इसलिए इसकी एफिशिएंसी इस टर्बाइन से कम है, पेल्टन व्हील से टर्बो टर्बाइन की एफिशिएंसी कम है, ऑल्दो ये बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से। ठीक है, और इन दोनों से ज्यादा बेहतर जो एफिशिएंसी है ना वो हमारी इस रिएक्शन टर्बाइन की होती है। ठीक है, ये मॉडर्न टर्बाइन है, मॉडर्न टेक्निक के ऊपर काम करती है। इसके बाद हमारे ये वाला जो ऑपरेटर है ये हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसको हम ओपन चैनल हाइड्रोलिक फ्लूम बोलते हैं। जी ठीक है, ठीक है, इसमें आप डायग्राम भी देख सकते हैं, इसमें इरिगेशन चैनल की स्टडी होती है, हाइड्रोलिक जंप की स्टडी होती है, चेजी रफनेस कोफिशिएंट एंड मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट की स्टडी होती है। ठीक है, बेड के ऊपर रफनेस देखते हैं, सेडिमेंटेशन के इफेक्ट्स को देखते हैं,
और इसके अलावा बेड के ऊपर जो स्लोप है, चैनल की स्लोप है, वो किस तरह डिस्चार्ज को चेंज करती है, इरोजन को कैसे चेंज करती है, सारी इस अपरेटस के ऊपर स्टडीज होती है। ये तो बड़ा यूजफुल अपरेटस है, हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हम इस अपरेटस पे आते हैं, तो ये मेटासेंट्रिक हाइट अपरेटस है। ये अपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसमें से काफी क्वेश्चन है। ये वही है, न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल। एक तो इसमें ये सवाल आता है कि जो इक्विलिब्रियम है फ्लोटिंग बॉडी के, वो कितने होते हैं। बिल्कुल, तो वो आ जाता है। दूसरा ये भी आ जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में मेटा सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है या नीचे होता है या उसके बराबर में। बिल्कुल, ये बड़ा, तो स्टूडेंट्स ये सबसे अहम है, आपने इसे जरूर स्टडी करना है। हाइट का पता होना चाहिए और मेटा सेंटर किसको कहते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला अपरेटस है, इसको फ्लूइड फ्रिक्शन अपरेटस बोलते हैं, ठीक है। इस अपरेटस से हम फ्लूइड फ्रिक्शन फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं और रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर हमें ये बताता है कि कोई भी पाइप फ्लो अगर हो रहा है तो वो लैमिनार हो रहा है, टर्बुलेंट हो रहा है या ट्रांजिशन फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 हो तो हम कहते हैं कि लैमिनार फ्लो हो रहा है पाइप्स के अंदर। बिल्कुल, वो डिफरेंशिएट हो जाता है लैमिनार का और टर्बुलेंट का, ठीक है। इसी तरह आगे हम मूव करते हैं, तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेटस है, ठीक है जी। ये ऑपरेटस हमें बेसिकली पंप की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करता है। सक्शन हेड कितना होता है पंप का, सक्शन हेड कितना होता है, डिलीवरी हेड कितना होता है और कितना फ्लो उसमें से गुजरता है, ये फ्लो मीटर है जी, ठीक है। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि फ्लो मीटर भी होता है, ठीक है। अगर हमने पाइप के अंदर फ्लो को मेजर करना हो, विंचोरी मीटर भी लगा सकते हैं, फ्लो मीटर भी लगा सकते, ठीक है। उसके बाद ये ऑपरेटस जो है ये सीरीज एंड पैरेलल फ्लो के फनामने की स्टडी के लिए, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल पंप। ओ, मुझे याद आ गया कि अगर हम पाइप सीरीज में लगाएं तो मेरा ख्याल है वेलोसिटी इंक्रीज होती थी। अगर हम ये पंप्स को लगाते हैं, ये सीरीज एंड पैरेलल पाइप्स के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल पंप्स हैं। अच्छा, पंप्स हैं। आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और पैरेलल में क्या होता है, इसकी स्टडी इस अपरेटस से, ठीक है। तो उमेर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने तमाम अपरेटस को स्टार्ट से ले के ये जो आखिरी अपरेटस है यहाँ तक आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाएंगे। आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।